कैसे आप सब, आशा करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल काजल मिथुन ब्लॉग में। दोस्तों अभी शाम का 4:30 हो रहा है, 5 बजने वाला है और इस टाइम लाइट आया है और अभी थोड़ा सा हवा भी कम हुआ है, तो मैं सुबह में सारा कपड़ा उपड़ा धो दी थी और अभी चल रही हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो फटाक से मैं बर्तन धो लेती हूँ लाइट है तो, और उसके बाद मैं झाड़ू उड़ू लगा के घर को सेट करूँगी, नहीं तो फिर लाइट चला जाएगा ना, तो फिर कल पता ना हमारा क्यों इतना जाम हो गया है, उसका पानी भी मतलब कि चला जा रहा है, कभी कभी इतना जाम हो गया एक हाथ से नहीं चल पाएगा, दोनों हाथ में एकदम बल लगाना पड़ता है तब चलता है। तो आशा करती हूँ ब्लॉग वीडियो पर बने रहिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्यारा सा ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आप सब बने रहिए। कैसे बर्तन पड़ा है, पानी वानी भर देंगे, सारा कुछ रख देते हैं। चलिए फटाफट में, इसमें और कुछ नहीं, चावल होगा हल्का सा, वो भी नहीं एकदम हल्का सा है, तो चलिए फटाफट ले चलते हैं धोने के लिए। दोनों लोग सोए, क्या कर रही हो प्यारी बेटी? मिर्चा को हाथ कट जाएगा तब? अरे मैं साइड से काट रही हूँ, इस वाले साइड से। हाँ, मैं मदद कर रही हूँ, इसकी पूंछ को भी काटूंगी। किसकी मदद कर रही हो आप? आपकी। क्यों? ऐसे ही क्यों? ऐसे ही बिल्कुल। मैं काट लूंगी, दे दो मुझे चाकू। तो आप सीधा पकड़ो पहले चाकू। ऐसे नहीं कट करता। नहीं, हटो हटो प्यारी बेटी, मेरी हाथ कट जाएंगे आपको। छोड़ो, बच्चे नहीं करते हो, सब आ जाओ। कुछ नहीं काटो, मेरी मदद करना है। हाँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी सारी चीजें। ना। अच्छा ठीक है, लहसुन छीलो। कौन लहसुन? वही लहसुन है, व्हाइट वाला। ये? मैं निकाल के एक रखी हूँ, उसको रखो मसाले में। मसाले में? मम्मा का हर कॉल है। आपके सामने ही रखी हूँ मैं, देखो बच्चों का इतना माइंड तेज होना चाहिए। ये ऐसे डुगुर रहा था, गोल गोल स्लाइड कर रहा था। साइड में रखो वही। हाँ एक बार। हाँ कितना काम करती है प्यारी बेटी, इसको तोड़ना ही नहीं आता है। मैं तोड़ दूंगी तुझे, मैं तो प्रिंट कर देती। देखो देखा जादू? देखा मैंने मानसी का कमाल। और वो ना गेंदा उसमें गया है, लेकिन मैं ना उसके ऊपर मारी थी उसकी। हाँ छत के ऊपर मारी थी बेटा जी। हाँ मैं स्ट्रांग हूँ। हाँ थोड़ा सा स्ट्रांग हो, देखो मुझे आई नहीं रहा था, मैं तो दरवाजे के पीछे ही मार दिया। हाँ दरवाजे के पीछे ही बेटा जी ने मार दिया। आईडिया आया है। हाँ दिखाओ कितनी बड़ी हूँ। देखो कितनी बड़ी हो। मेरे इतना तो मानसी मेरे से भी बड़ी है, मैं क्या ही करूं। अरे ऐसे करियो ऐसे। हाँ नीचे से दिखी थी, अब ऐसे करो। अरे माँ मेरा गला तोड़ दिया कोई बच्चा। अरे मैं तो मानसी वैसे ऐसे। इधर देखो ऐसे, इधर देखो, देखो देखो ऐसे ऐसे। मेरा देख लियो, मैं कितना छोटी हूँ अभी भी, देख लियो। मैं आपकी कौन हूँ कि ऐसे बोलो? देख रही हो, देख रही हो मामा, मुझे कोई बोलता ही नहीं है। मम्मी तो बोल रही हूँ आपको, आप सबसे बात कर रही। मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो आप? मेरी मदद करना, और मेरा कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट अपोर्ट कीजिए कि मैं फोन थोड़ा चेंज कर लूं। मानसी कार्टून देखती है, उसी से ब्लॉगिंग करती हूं। दो, दो, चलो मदद करो, चलो मदद करो। मानसी क्या कर रही है, मैं चल रही हूं करने, भात बन गया मेरा चावल, तो अब चल रही हूँ मैं सब्जी बना दो। मायो थकावट हो गया है, हो गया, चल रही हूँ सब्जी काटने एकदम जल्दी जल्दी। दो प्यारी बेटी, दो को मैं करूंगी। मैं छीलू वाला, ये वाला मैं, ये वाला तोरी छीलूंगी। हाँ वो तब तक चाकू ले लो, ऐसे छीलो, ऐसे ऐसे कैसे छीलूंगी बताओ तो? ऐसे चाकू ये कहाँ है दिखाओ मुझे, वो रहा ऊपर। चलिए वाला तोरी बड़ा, थैंक यू, कितनी मदद कराती है चप्पल। और आपके में तो ऐसे ही नहीं है, बस इतना सा है। जाने दीजिए कोई बात नहीं, मेरा तो बहुत सारा है। और मैं ना टमाटर खरीद कर दुकान पर ही छोड़ दी हूँ, कि शायद गाड़ी में पता ना, मैं पैसे दे रही थी 10 रुपया खीरा का, 20 रुपया टमाटर का, 30 रुपया कि दे दीजिए, और ये खाली 2 खीरा लेके चले आए और टमाटर नहीं लिए। वहाँ भीड़ था तो मैं वहाँ नहीं रुकी,
मानसी के चप्पल का दुकान चले गए थे। हाँ जी, और मैं चप्पल नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ इस पर। बहुत ज्यादा मच्छर लोग काट रहा, पता ना क्यों इतने दिन से नहीं काट रहा था। और मुझे तो, मैं भी बैठी हूँ तो, फिर मैं इस चप्पल पर बैठी हूँ तो मुझे अब भी नहीं काट रहा है। अब भी नहीं काट रहा है? हाँ, मैं अभी अपने चप्पल पर नहीं बैठ जाती। नहीं नहीं नहीं, चप्पल किचन में नहीं लाना चाहिए, आपका नींव है तो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। ठीक है, कल से मत लाइएगा आप भी, ठीक है? किचन में खाना बनता है, चप्पल के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। अरे मम्मा, इसमें थोड़े जर्म्स रहते हैं, इसको धोएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है धो देंगे। हैं कैसे, आप भी नहीं धोती? मैं तो आपका सूज धोई हूँ। कहाँ धोई? धो के किचन, वो बाथरूम में ही रखी हूँ। कौन सा? वो जो ठंड में पहनते थे ना आप, वही वाला। एक और एक और एक वहाँ है दादी घर। चलिए सब्जी काट ले, तो फिर आप सबसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, अभी नेक्स्ट डे है और दोपहर का 12 बज रहा, मानसिक पापा भी घर पर नहीं है, है ना बेटा? हाँ, मार्केट गए। हाँ, और आप सबको अभी एक मानसी बेटा दिखाएगी जादू, है ना बेटा? हाँ, जादू दिखाने वाली। दोस्तों दिखा, मुझे नहीं आता है दोस्तों, मैं देखी तो एकदम शॉक्ड हो गई कि ये कैसे मानसी कर पा रही है। रुके 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 रुके, बेटा को अभी सुबह सुबह नहा लाके बाल उल बनाए थे, फिर सो के कैसे कर ली है। चलिए कोई बात नहीं, जादू करके दिखा दीजिए बेटा दोस्तों को। मैं एक बार वाह, मैं एक बार देखी तो शौक हो गई कि बेटा जी कितनी होशियार हो गई है ना। हाँ। दिखाओ तो पीछे से बैग जैसे कैसे बना लिए बेटा, देख सकते हैं आप लोग। वाह, आपने कहाँ से सीखा है, कौन सिखाया आपको? मैं अपने से ही सीख ली हो? हाँ। आप कितनी अच्छी हो। चलिए आपका फिर से मैं बाल बना दूँ, ठीक है? हाँ। ठीक, मानसी बेटा उतर से खिलौने पड़े। हाँ अच्छा अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। आप सीख गई? हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई। अच्छा, कितना सीखो? बहुत सारा सीख गई, सारा। हाँ सर, मेरे है। चलिए आपका बाल बना दो। मानसिक पापा आ चुके हैं ससुराल से और अभी 1 बजे खाना खा रहे हैं, 1 बज रहा है। और गए थे तो उधर से कुछ लाए थे मछली, हमने फ्रिज में रखा हुआ है। चलिए अभी निकालते हैं और उसको फ्रेश करके धो के बनाते हैं, आप सब बने दीजिए। मछली को ना मैं एकदम क्लीन धो ली हूँ, देख सकते हैं आप लोग, नमक से और आटा से, इसका मतलब बदबू भी नहीं आ रहा है, तय ना करवाई वैसे नहीं आ रहा। और अभी आप बाहर का नज़ारा दिखा रहे हो, अभी कुछ मसाला पीसना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा हवा कम है इसी वजह से। देखिए मानसी बेटा खेल रही हैं, वाह। और अभी देखिए कितना अच्छा हमारे आंगन में छाव आया है कदम के पेड़ की वजह से। और इधर हमने मसाला ले लिया, पीसूंगी आज, फ्रॉक अच्छे से कर लो ड्रेस, और एकदम क्लीन मैंने धो लिया है और मसाले में है, अच्छे से इसको साफ करूंगी, मिट्टी उट्टी आ गया है, लिपाई करें। हाँ, अब कितने कमजोर हो गए ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। और अभी अदरक मैं इतना लूंगी, आधा इसमें से, और लहसुन थोड़ा सा इसमें से लूंगी, और बाकी डेढ़, मतलब डेढ़ डेढ़ कली, डेढ़ पुट्टा, और सरसों मिर्चा इतना ही पीसूंगी। हाँ सीधा है। और बाकी के भूखा हुआ मसाला एक दो चीज़ें लूंगी, थोड़ा थोड़ा बस। तो चलिए फटाक से मैं सिलवटे को क्लीन करके धो लेती हूँ, उसके बाद पीसूंगी सारी चीज़ें। और एकदम क्लीन से मैंने मछली को भी धो लिया है, देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट धो लेते हैं सिलवट्टे को भी। क्या हुआ बेटा? बस तो अभी मम्मी ने मसाले पीस दिए। क्यों मसाले पीस रहे? बोलो बोलो बोलो। समझ नहीं आ रहा। और आप और कुछ बोलो। और कुछ बोलो? हाँ। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने सिलवट्टे को क्लीन कर लिया है। और अब मैं सबसे पहले पीसूंगी सरसों, तो मिर्चा लहसुन पीसूंगी तो प्लेन हो जाएगा, तो अच्छे से नहीं पीसा जाएगा। तो चलिए उससे पहले मैं ये लहसुन को छुड़ा लूँगी ऐसे कूट के, उसके बाद इसको चक्कू में लेके आई थी, इसको अदरक को छिलना है अच्छे से, और बस बने रहिए। चाकू तो घर में? कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी। नहीं मैं ले लूँगी, ओके आपको दे दूँगी। ठीक है लेके आ जाओ। आप दिख रही थोड़ा सा? दिख रही हूँ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा दिख रही हूँ आपको, पर नहीं दिख रहे। हाँ कैसे लग रही है? कैमरा अच्छे से नहीं आ रहा है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से आएगा।
मम्मा घर में वीडियो बनाते तो अच्छे से आता है, बाहर में अच्छा नहीं आ रहा है। जाने दो, बाहर में लग रहा है रोशनी कम है ना। ये धूप है ना इसलिए। हाँ बाहर में ना अच्छा आता है, रोशनी बहुत ज्यादा रहता है, और अंदर जाकर वीडियो देखोगे ना तो अच्छा आएगा, धूप की वजह से आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ रुको मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ। देख लो कितना अच्छा। बोलो तो फ्रेंड, अभी मैं सारा मसाला पीस लिया, तुमको और मैं करना जा रही दिखाती थी। देख लो ये देख तो, और फिर मैं घर से आ रूंगी अच्छे से पूरा, और मैं अच्छे से घर का तैयार करूंगी और उसको अच्छे से बिछाऊंगी और अलमारी को बंद करूंगी और अच्छे से इसको रख दूंगी। और इसको फ्रेंड ये रहा मेरा मछली, और इसको मैंने मिर्चा लहसुन और अदरक में वो कर लिया है, क्या करते हैं हल्का हल्का और लगा दिया है, और इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया हल्का सा, और क्या हल्दी कर दूंगी। और मानसी बेटा मैं शायद आप लोग से कुछ बोला था कि काम करने जा रही हूँ, और देखिए पोंछा करने जा रही है। थोड़ा सा ही है, कोई बात नहीं मैं कर दूंगी, आप छोड़ दो। अभी फ्रेंड इसमें हमने ऑयल डाल दिया है और गर्म भी हो चुका है, इसको गैस का फ्लेम कम कर देते हैं, और इसमें हम डालेंगे अब फिश को, सारी फिश को मतलब नहीं जितना आएगा उतना, चलिए ऐड करते के करके फ्राई कर लेते हैं। चार फिश मतलब चार फिश इसमें गया है, इसको अच्छे से फ्राई करके छोड़ देते हैं। इसलिए मछली को फ्राई होने देते हैं, तब तक ना मैं देखती हूँ मानसी बेटा क्या कर रही है, और खाना बना के उसके बाद मैं घर का पूरा पोछा सफाई करूँगी। कहाँ गई वो, लिपाई कर रही थी, देख मैं यहाँ यहीं छोड़ देते हैं। बताइए लिपाई करने को उनको कौन बोला, बाप बताइए बालू लाने गई उतना धूप में, देख रहे हैं आप लोग क्या कर रही हो बेटा। अरे रेता छोड़ दो, आ जाओ तबीयत खराब हो जाएगा, आ जाओ। हाँ खाली पानी से कर लो, उसको रख दो उधर ही, फेंक दो उसको, ठीक है। पानी से भींग गया है। हाँ। तो आप धूप में क्या करने गई थी, तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा जैसे हुआ था पिछली साल, तो मैं क्या करूंगी। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूं, पानी से आ गई। हाँ यहीं छांव में खेलो, ठीक है। नहीं मैं लिपाई करने के लिए बोल रही थी। मामा नहीं है कि आप लिपाई करोगी, देखो तो मैं येलो येलो पूरा घर को बना कर रखी हूँ, फिर सुबह करूंगी लिपाई, सोमवार को लिपाई करूंगी। ना मैं करूंगी, ठीक है करो। देख रेता से कौन घर लिपाई करता है। हाँ मानसी, अच्छा देखिए लिपाई हो रहा है घर, मानसी का घर। चलो अंदर में तो खाना बना लूंगी, फिर घर को मस्त अच्छे तरीके से सेट करूंगी, पोछा करूंगी। क्या हुआ बेटा, गाय का पोटी लाऊं? मानसी बोल रही गाय का पोटी लेके आओ, उससे घर को लिपाई करोगी। ठीक है गाय का पोटी में ला दूंगी, ठीक बाबा से मंगाऊंगी, ठीक है। बाबा से मंगाऊंगी गाय का पोटी, फिर मानसी गाय के पोटी से लिपाई करेगी। हाँ उसी में घोर के फिर लिपाई करोगी, ठीक है ठीक है। फिर मछली हो गया है फ्राई अच्छी तरीके से, और इसमें हमने तड़का में डाला है मेथी है, सरसों है, लाल मिर्चा है और ग्रीन मिर्चा है और प्याज है। तो इसको पका लेती हूँ, गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, मेथी भी वो क्या करते चल पट आ जाएगा सरसों मेथी भी, उसके बाद में मसाला चलिए फटाफट रेडी कर लेती हूँ। ये रहा मसाला, और इसमें मैं काली मिर्च बस जीरा हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा पानी से कर लेती हूँ, घोर लेती हूँ। ये पक चुका है, चलिए सारा मसाला फटाक से डाल, और अभी देखिए सारा मैंने सब कुछ डाल दिया, बस इस नमक भी डाल दिया, बस इसको अब अच्छे से पकाना है, और पिसा हुआ मसाला है तो ऐसे होगा ही, बस पक जाएगा तो टेस्टी दिखेगा। तब तक मैं ये रहा धनिया टमाटर को रेडी कर लेती हूँ फटाक से। तो फ्रेंड अभी देख सकते हैं मेरा मछली वाला मसाला एकदम अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ, इसका लुक देख सकते हैं आप लोग कितना टेस्टी दिख रहा है, खुशबू भी बहुत टेस्टी आ रहा है। मानसु पापा बोल रहे लग रहा है आज मुझे भी मछली खाना पड़ेगा अपने हाथों से, तो चलिए। और यहाँ तब तक फ्राई मसाला भुना रहा है, तब तक मानसी देखिए क्या कर रही है, दीजिए बेटा फोन, क्या करूँगी काम करूंगी। तो
फ्रेंड अभी ना मसाला हमारा पक चुका है अच्छे से। अब चलाते चलाते इसको एक से डेढ़ मिनट तक मैं भूनूंगी और उसके बाद इसमें जाएगा पानी ऐड करूंगी उसके बाद। तो चलिए इसी तरह मैं एक से डेढ़ मिनट तक और भून लेती हूँ। फ्रेंड एक से डेढ़ मिनट तक हो गया था मेरा और इसमें अब ऐड कर देती हूँ पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको फिर से मैं खौला लूंगी, उसके बाद डालूंगी फिर इसको। तो चलिए पानी रहने देती हूँ इतना ही और इसको खौला लेती हूँ, उसके बाद जाएगा फीस, उसके बाद धनिया पत्ता। देख सकते हैं हम अच्छी तरीके से खोल रहा है और देखिए फीस हम उठा के इसमें ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। चलिए अब इसको खोल के देखते हैं फीस बना कि नहीं और धनिया पत्ता डाल के फिर छोड़ देंगे। अभी देख सकते हैं हमारा फीस जो कि है बन चुका है। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे और ऐसे ही ढकेंगे नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा पका लेते हैं क्योंकि धनिया पत्ता डाल लेते हैं नहीं से बस हल्का सा एकदम, और उसके बाद बंद कर देंगे गैस का फ्लेम। फ्रेंड लोग नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड मैंने खाना कभी का बना ली थी और इधर देखिए मैंने फिश को मतलब दूसरे बर्तन में रख दिया है। अब इसको मैं क्या करती हूँ कि सारा ढक ढुक के रख दिया, अब चल रही झाड़ू करके पोंछा कर देती हूँ, फिर बर्तन धो के फिर रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड झाड़ू पोंछा करने में अभी टाइम लगेगा हमको बर्तन धोने में। अरे बेटा चोट लग गई, तब तक मैं सोच रही हूँ ना ब्लॉग को एंड करके डाल दूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और आप सबको रेसिपी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार प्यारा कमेंट कीजिएगा और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर, बाय।